वेलकम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर मानवेन सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, KMC, लैंग्वेज यूनिवर्सिटी। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स और इनके अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में जाना, जब हम किसी चीज़ को जान लेते हैं और हमें कंटिन्यूसली स्टडी करनी होती तो हम उस चीज़ को देखते हैं कि इन दोनों में अब आगे डिफरेंसेस क्या हैं। सो टुडे टॉपिक इज डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल्स। सो इन स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स डिफरेंसेस। यूकैरियोटिक सेल्स मोर डेवलप्ड देन प्रोकैरियोटिक सेल्स। सो फर्स्ट डिफरेंस इज प्रोकैरियोटिक सेल्स सराउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन, बट इन यूकैरियोटिक सेल्स सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन। सेकेंड, वी स्टडी अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड सर्टेन अमीनो एसिड्स, बट इन यूकैरियोटिक सेल्स सेल वॉल प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स एंड मेड अप ऑफ काइटिन एंड सेलुलोज। थर्ड डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स अकर्स ऑन सेल मेम्ब्रेन इन प्रोकैरियोटिक सेल्स बट अब्सेंट ऑन सेल मेम्ब्रेन इन यूकैरियोटिक सेल्स। हियर वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स बट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनल्स आर नॉट प्रेजेंट। गैस वैक्यूल्स में अकर वाइल्ड सेफ वैक्यूल्स आर अब्सेंट बट इन यूकैरियोटिक सेल्स सेफ वैक्यूल्स आर प्रेजेंट। इन प्रोकैरियोटिक सेल्स 70S राइबोसोम्स आर प्रेजेंट विच डिवाइडेड इन टू सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट। 70S राइबोसोम डिवाइडेड इन 50S एंड 30S सब यूनिट। So ribosome are present that lie free in cytoplasm or attached to mRNA. But in a prokaryotic eukaryotic cells, 80S ribosome are present in eukaryotic cells, and its subunit divided into 60S and 40S. Next difference between prokaryotic and eukaryotic cells. So endocytosis and exocytosis does not occur. But in eukaryotic cells, endocytosis, exocytosis occur in protist and many animals. Process of meiosis or gamete formation of true fertilization does not occur in prokaryotic cells. But in these cells, the process of meiosis, gamete formation, fertilization occur in most cases of sexual reproductions. Prokaryotic cells are haploid, but eukaryotic cells are diploid, while haploid cells also occur. Prokaryotic cells, nuclear envelope is absent. Nuclear material lies in cytoplasm and is called nucleate. In prokaryotic cells, nucleus, genetic material occur in circular stage. So that nuclear material known as nucleoid in prokaryotic cells. Nucleoid contains single chromosome, but in eukaryotic cells, nucleoid surrounds nuclear material. That's a structure called nucleus. It contains too many chromosomes. Nucleus is absent in prokaryotic cells. One or more nucleus are present within nucleus in eukaryotic cells. Circular DNA is present without associated proteins. Nuclear DNA linear and associated with proteins, while extra nuclear DNA. Flagella is present. Flagella present complex have a 9+2 structure pattern. Plasmid and pili occur in many prokaryotic cells, but these structures are absent in eukaryotic cells. Most prokaryotes are asexual organisms, but most of them in eukaryotic cells, most of them sexual organisms. So
इस वीडियो में इतना ही, बाकी इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि आगे सेल ऑर्गेनल्स में क्या क्या है। थैंक यू।